हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर गणेश एंड वेलकम टू आवर एकेडमी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्विंग का कर्व टॉपिक। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कर्व और कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, कितने टाइप्स होते हैं, ये आज हम देखेंगे। सो क्या होता है कर्व? तो बेसिकली कर्व क्या होता है, तो अगर हम किसी भी हाईवे में जो बेंड आते हैं वहां पे हम प्रोवाइड करा जाता है, उसको बोला जाता है कर्व। सो कर्व इज नथिंग बट द आर्क ऑफ द सर्कल विच इज प्रोवाइडेड एट द चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन ग्रेडियंट। मतलब क्या? तो चेंज इन डायरेक्शन मतलब क्या, तो ये नेसेसरी कहां पे प्रोवाइड किया जाता है। सो जब भी हमारा स्ट्रेट रूट जाते रहता है, तो आप देख सकते हो, सो अगर एक खाली स्ट्रेट रूट जा रहा है और मुझे क्या करना है, चेंज इन डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मुझे क्या करना है, टर्न करना है। सो हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 90 डिग्री में तो गाड़ी हम टर्न नहीं कर सकते, व्हीकल टर्न नहीं कर सकते, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिएगा कि स्मूथ मूवमेंट हो, दैट इज डायरेक्शन में हमारी गाड़ी जो है वो लेफ्ट से राइट या फिर स्ट्रेट से राइट लेफ्ट, वो क्या हो गए, स्मूथ मूवमेंट हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे जहां पे बेंड आता है वहां पे हम एक आर्क ऑफ सर्कल प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको बोला जाता है कर्व। कर्व इज नथिंग बट द आर्क ऑफ द सर्कल विच इज प्रोवाइडेड एट द चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट चेंज मतलब क्या, सपोज दो ग्रेड है, एक ऐसा राइजिंग ग्रेड है और दूसरा फॉलिंग ग्रेड है। ठीक है, सो अगर गाड़ी जो है वो ऐसे राइजिंग ग्रेडियंट से चढ़ रही है और फॉलिंग ग्रेडियंट से उतर रही है, तो हमें क्या चाहिए, एक स्मूथ मूवमेंट चाहिए और एक स्मूथ स्लोप चाहिए कि गाड़ी की जो मूवमेंट हो, व्हीकल जो मूवमेंट हो, वो क्या हो, कंफर्टेबल हो। So, this is called as arc of circle is called as curve. So, basically curve तो हमें आ गया। अब necessity क्या है, क्यों provide किया जाता है curve को? So, basically first necessity तो यही है कि change in direction। तो अगर मुझे क्या करना है, highway में चलते हुए direction को change करना है, मतलब क्या, अगर हम straight जा रहे हैं तो मुझे left side में जाना है या right side में जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, highway में एक curve provide करते हैं हम, ठीक है, leveling में, तो उसे बोला जाता है horizontal curve। तो वहां पर स्थिति रहेगी। सेकंड क्या रहेगी कि सेकंड जब अगर चेंज इन ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट मतलब क्या, तो सपोज रोड ऐसा स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जाते जाते रोड के बीच में खड़ा पहाड़ आ गया या वैले आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे अपनी गाड़ी की जो मूवमेंट हो वो स्मूथ हो, इसलिए हम क्या करते हैं, वो डायरेक्शन में ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं आर्क ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज कर्व। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल कर्व, जो हम चेंज इन ग्रेडियंट में प्रोवाइड करते हैं। और क्या है, सो और भी है, तो दैट इज अगर एक खादी कॉस्टली लैंड, आपकी जमीन जो है कॉस्टली लैंड है, वो रोड के बीच में आती है, आप उसे खरीदना नहीं चाहते, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली है या फिर बहुत कुछ काम की है, तो हम क्या करते हैं कि उसके बाजू से हमें टर्न करके जाना रहता, तो उसी लिए भी हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। या फिर टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन, अब टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, सपोज रोड ऐसा स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जाते जाते रोड के बीच में तालाब आ गया, लेक आ गया, या फिर एक बहुत बड़ा हिल आ गया, पहाड़ आ गया, तो उसको खोदना या टनल बनाना या फिर उस लेक के ऊपर ब्रिज बनाना, यह हमें अगर कॉस्टली जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग दिस कर्व हम उसके साइड से निकल जाते हैं। सो दिस आर द नेसेसिटी। और नेसेसिटी क्या है, तो अगर अगर स्ट्रेट रोड रहता है, सो एक और भी है, दैट इज कंफर्टनेस ऑफ ड्राइवर भी बोल सकते हैं, या कंफर्टनेस ऑफ अपने पैसेंजर, या फिर अलर्टनेस ऑफ ड्राइवर। होता क्या है कि जब हमारा रोड ऐसा स्ट्रेट जाता है तो ड्राइवर का जो अलर्टनेस है वो उतना फोकस में नहीं रहता है, लेकिन अगर टर्न रोड में टर्न आते रहते हैं तो ड्राइवर का जो फोकस है वो अच्छे से रहता है। सो ये कुछ नेसेसिटीज है कर्व के बारे में। देन हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कर्व, तो कितने टाइप का कर्व है, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कर्व, दैट इज फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व को हमने और पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो सर्कुलर कर्व और एक आती है ट्रांजिशन कर्व। अब सर्कुलर कर्व क्या होता है, तो सर्कुलर कर्व में तीन आते हैं और, दैट इज सिंपल सर्कुलर, रिवर्स कर्व एंड दैट इज द कंपाउंड कर्व। ठीक है, तो ऐसे तीन आते हैं। देन ट्रांजिशन कर्व में भी तीन आते हैं, दैट इज लेमनस्केट कर्व, क्यूबिक पैराबोला और पैराबोलिक कर्व। अब वर्टिकल कर्व की बात करते हैं, तो वर्टिकल कर्व में दो आते हैं, दैट इज सैग कर्व और वैले कर्व। ठीक है, या फिर समिट कर और वैले कर भी बोल सकते हैं इसको। सो उसमें से फर्स्ट देखते हैं हम सिंपल कर्व, क्या होती है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में क्या होता है कि बेसिकली दो रोड रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ए बी एंड बी सी, जो रोड है वो बी पॉइंट पे आके क्या हुआ है,
बी पॉइंट पे आके मिला हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। सो बी पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए बी और बी सी जो दो रोड है उसको अगर मुझे स्मूथ कर्व में ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे बीच में हम क्या करते हैं, आर्क ऑफ सर्कल प्रोवाइड कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में ओनली एक ही जो आर्क ऑफ सर्कल है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज सिंपल सर्कुलर कर्व। देन सेकेंड आती है रिवर्स कर्व। अब रिवर्स कर्व क्या होती है, तो बेसिकली ये रिवर्स कर्व हमें देखने को कहां मिलती है, तो रिवर्स कर्व जनरली हमें ट्रेन के जो पटरी है वहां पे दिखाई देती है। रिवर्स कर्व में क्या होता है, तो आप देख सकते हो रिवर्स कर्व में दो ट्रैक है, ए बी एंड दिस इज सी डी ट्रैक। अब उसको अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज आर्क ऑफ सर्कल प्रोवाइडेड, दैट इज टू आर्क ऑफ सर्कल। एक नहीं है, वहां पे दो सर्कल ऑफ आर्क ऑफ सर्कल प्रोवाइड किए गए हैं, हैविंग सेम और डिफरेंट रेडियस। मतलब क्या, दोनों की रेडियस जो है वो सेम रह सकती है या डिफरेंट रह सकती है, बट कर्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो रिवर्स कर्व में क्या होता है, जो भी दो सर्कल प्रोवाइड किए जाते हैं, आर्क ऑफ सर्कल प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, हैविंग सेम और डिफरेंट रेडियस, कर्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों कर्व जो है, दोनों की कर्व की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आप देख सकते हो एक की डाउनवर्ड है, एक की अपवर्ड डायरेक्शन है। सो ऐसे अगर दो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं एक ही रोड में तो उसको बोला जाता है रिवर्स कर्व। ये जनरली यूज होती है आपको ट्रेन में, जैसे कि आप देख सकते हो वहां पे ट्रेन का जो वीडियोस है वो रखा गया है। देन द नेक्स्ट इज कंपाउंड कर्व। अब कंपाउंड कर्व क्या होती है, तो कंपाउंड कर्व में क्या होता है, जहां पे भी दो रोड है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, रोड पे जाते हुए यू टर्न मारना है, ठीक है, यू टर्न मारना है, तो यू टर्न के लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रेट रोड है ए बी एंड दिस इज सी डी रोड है, ठीक है, तो उस रोड पे अगर मुझे कर्व मारना है तो सिंपल एक कर्व में तो नहीं होगा, तो वहां पे भी मुझे दो कर्व प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वहां पे भी दो कर्व प्रोवाइड की, सो दैट इज इसकी डेफिनेशन ये कहती है, इफ द टू कर्व आर प्रोवाइडेड हैविंग सेम और डिफरेंट रेडियस कर्विंग इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक ही डायरेक्शन में दोनों कर्व आपको दिखाई देगी, तो आप देख सकते हैं दोनों भी कर्व जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगर कर्विंग इन सेम डायरेक्शन रहता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड कर्व। तो दोनों में डिफरेंस देखो, रिवर्स कर्व कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, रिवर्स में है टॉप कर्व टू कर्व हैविंग सेम और डिफरेंट रैडी कर्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और कंपाउंड में क्या है, टू और मोर कर्व हैविंग सेम और डिफरेंट रैडी कर्विंग इन अ सेम डायरेक्शन, देन इट्स कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। इस तरह से ये कर्व जो है वो होती है। देन बात करते हैं हम ट्रांजिशन कर्व की, तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, सो बेसिकली ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन कहती है द कर्व हैविंग रेडियस इज इनफिनाइट टू द फिनाइट वैल्यू, दैट इज जीरो से लेके एक फाइनाइट वैल्यू तक उसको प्रोवाइड किया जाता है। ये कर्व प्रोवाइड कहां पे की जाती है, सो ये कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। मतलब क्या, जो अपने सिंपल सर्कुलर कर्व है वो शुरू होने से पहले और वो सिंपल कर्व खत्म होने के बाद जो ग्रेजुअल चेंजेस के लिए हमें प्रोवाइड करना रहता है वहां पे हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब क्या, सो बेसिकली अगर दो रोड यहां पे मीट हो रहे हैं और मैंने अगर उसको आर्क ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दिया, लेकिन एकदम से हम रेडियस बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, सिंपल सर्कुलर, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इन्फिनाइट वैल्यू से मतलब ग्रेजुअली जो है रेडियस वो बढ़ानी पड़ेगी, ग्रेजुअली, दैट इज जीरो फिर वन टू थ्री फोर। अगर आपके कर्व की रेडियस 100 मीटर है तो एकदम से आप 100 मीटर नहीं प्रोवाइड कर सकते, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ग्रेजुअली प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी की जो मूवमेंट है, व्हीकल की जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो सके कर्व के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कर्व। सो ट्रांजिशन कर्व कहां पे प्रोवाइड की जाती है, दैट इज बिफोर द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व के दोनों साइड आपको प्रोवाइड की जाती है, सो दैट द ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट आपका हो सके और ग्रेजुअल चेंज इन सुपर एलिवेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कर्व। इसके तीन पार्ट्स है, तो तीन पार्ट्स में आपको बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से हाईवे में कौन सी कर्व और रेलवे में कौन सी कर्व प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि क्यूबिक पैराबोला और स्पाइरल पैराबोलिक कर्व जो है वो आपकी हाईवे में और रेलवे में दोनों तरफ यूज की जाती है, बट जो लेमिनिस्केट कर्व है वो सिर्फ आपकी हाईवे में ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है।
देन नेक्स्ट इज अ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व कहां पर प्रोवाइड की जाती है? दैट इज चेंज इन ग्रेडियंट। अब चेंज इन ग्रेडियंट मतलब क्या? तो सपोज एक खाली पहाड़ जो है वो आपके बीच में आ गया, रोड के बीच में आ गया खाली पहाड़। सो पहाड़ के ऊपर आप तो गाड़ी ऐसे चढ़ेगी नहीं, एक क्या चाहिए अपने को? पर्टिकुलर स्लोप चाहिए और पर्टिकुलर ऐसा ग्रेजुअल मूवमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर चलते हुए रोड पे एक हदी हील आ गई, दैट इज क्या हो रहा है कि ये राइजिंग ग्रेडियंट है, इसको फॉलो कर रहा है फॉलिंग ग्रेडियंट। सो राइजिंग ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए फॉलिंग ग्रेडियंट अगर आता है तो आपकी जो कर्व प्रोवाइड होती है उसको बोला जाता है समिट कर्व। ठीक है, तो अगर हील आती है तो आप क्या करोगे? समिट कर्व प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो वही अगर बात करते वैले की तो क्या होता है कि अगर दिस इज फॉलो ग्रेडियंट, फॉलोइंग ग्रेडियंट। ठीक है, सो दिस इज राइजिंग ग्रेडियंट, ये हुआ, दिस इज फॉलिंग ग्रेडियंट। सो दिस इज फॉलिंग ग्रेडियंट को अगर फॉलो कर रहा है राइजिंग ग्रेडियंट इस तरह से, ठीक है, तो इसके बीच में आपकी गाड़ी यहां से आएगी और यहां से चढ़ेगी, ऐसा तो होता नहीं है। आपको क्या चाहिए? एक स्मूथ मूवमेंट चाहिए, सो गाड़ी यहां से स्मूथली पास हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में जो कर्व प्रोवाइड करते हैं इसको बोला जाता है वैले कर्व। ठीक है, तो दिस इज समिट मतलब इस तरह से, ठीक है, समिट मतलब इस तरह से, और वैले दैट इज दिस। ठीक है, तो ये दो टाइप की कर्व होती है, समिट कर्व एंड वैले कर्व, ये आती है आपके वर्टिकल कर्व में। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कर्व। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसके नोटेशन क्या होते हैं और किस तरह से सिंपल सर्कुलर कर्व को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू।